देखो भी ना तो इंची टेप नहीं होना चाहिए, ना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इशार रखना जहाँ कस्टमर पे हैंड बांध रहा हो वहां से ही नापना है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है, कपड़ों का नाप कैसे लेते हैं, यानी कि पैंट शर्ट का नाप आज आपको बताने वाला हूँ। वो क्यों बताने वाला हूँ, क्योंकि यार मैं कटिंग में कई बार समझाते समझाते थक चुका हूँ कि भाई यहाँ से इतना लो, यहाँ से इतना लो, फिर तुम कमेंट करते हो यार हमारे यहाँ से शर्ट नहीं बैठ रहा, वहाँ से शर्ट नहीं बैठ रहा। तो गाइस, सबसे पहले तुम्हें नाप लेना है, क्योंकि अगर नाप अच्छा नहीं होगा तुम्हारी कटिंग अच्छी नहीं होनेगी। बहुत से कहते हैं यार आसन यहाँ से तो इतना बैठेगा, वहाँ से इतना बैठेगा। तो यार तुम कटिंग पे तो ध्यान दे रहे हो, नाप पे ध्यान दिया, पर कोई बंदा नीचे बांधता है, कोई ऊपर बांधता है, इस बात को जो है नाप पे ही पता चलता है। तो इसलिए मैं आज तुम्हारी सारी टेंशन खत्म करने वाला हूँ। सबसे पहले तुम्हें नाप पे ध्यान देना है, यहाँ का जो झोल जो आ रहा है ना, साइड में ज्यादा झोल आता क्यों आता, वो भी नाप की वजह है। जो तुम शोल्डर डाउन के नापोगे नहीं, तो जैसे शोल्डर है किसी का, तो जो कोई जिम करता है उसके नीचे रहते हैं, कोई सिंपल आदमी उसके, तो उनका सबका हिसाब अलग होता है यार। किसी का 2.5 इंच उतरता, किसी का 3 इंच उतरता, किसी का 2 इंच उतरता। तो मैं तुम्हें लाइव दिखूंगा कि शोल्डर तुम्हें नापने कैसे हैं, जब जाकर तुम्हें कटिंग करनी है, और उसके बाद तुम अपना कमेंट करके बताना कि सर हमारा सही आया है या नहीं आया। तो गाइस, अगर आपको नाप अच्छा सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कट 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 करोगे ना वीडियो में, तो नाप यानी कि वीडियो बनाने का कुछ फायदा नहीं बनेगा, और ना तुम्हें फिर कटिंग की वीडियो देखने का कुछ फायदा। यू मेन मसला है नाप। अगर सपोज करो हम जैसे घर बना रहे हैं, अगर उसकी बुनियाद अच्छी नहीं बनाएंगे, जैसे DPC नहीं लगाएंगे, ना पिलर लगाएंगे, तो ज़्यादा दिन थोड़ी चलेगा, पर तरीड़ आ जाएगी, हल्का फुल्का झोंका गिर जाएगा, तो क्या फ़ायदा होगा। तो भाई सबसे पहले नाप पे ध्यान देना है। अगर तेरा नाप अच्छा हो जाएगा तो पैंट की कटिंग करेगा या शर्ट की कटिंग करेगा तो उनकी कटिंग भी अच्छी आएगी, और जब कस्टमर पहनेगा उनकी फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो मेरे भाई सबसे पहले तो यार ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार है चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि आप जैसे भाई भी इस वीडियो को देखकर नाप अच्छी तरीके से लेना सीख सके। देखो भाई, सबसे पहले लेना है शर्ट का नाप, जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ यहाँ जो झोल आ रहा है वो क्यों आ रहा है। अगर वीडियो को पूरा देखोगे जब भी समझ में आएगा, ये ना कि भाई थोड़ी सी कट कर देख लिया चल भाई हो गया काम, पूरी देख लिया वीडियो को। सबसे पहले लंबाई का नाप लेंगे, हाथ को इस तरीके से मुट्ठी बंद करवा देंगे, ठीक है। और कस्टमर से पूछना कि भाई अगर जो सेट पैर ना हो, कि भाई सेट की जितनी रखनी है इससे लंबी रखनी है, इससे छोटी रखनी है, ये पूछ ले करो ग्राहक से। तो सबसे पहले लंबाई का नाप लेंगे इस तरीके से, जैसे कि यहाँ लंबाई मांग रहा है ये, तो यहाँ लेंगे मुट्ठी बंद करवा के, ये जो तुम्हें दिख रही है यहाँ पे लंबाई रखनी है, ठीक है। बहुत से होते हैं यहाँ से लंबाई ले लेते हैं, यहाँ से भी सही रहता है। तो अब यहाँ से नाप जो लेंगे, अब यहाँ से लेंगे कंधे के यहाँ से, ठीक है। अब जैसे इसकी लंबाई आ रही है 27, ठीक है, 27 लंबाई होगी। और सीने का नाप लेंगे, सीने में बिल्कुल इस तरीके से इंच टेप को घुमा के, और 2 इंच कह रहा, 2 उंगली अंदर रखनी है, ठीक है। इस तरीके से नाप लेंगे, 33 सीना है इसका। और फिर इसके नीचे से ही पेट का नाप लेंगे, 2 उंगली अंदर रख के पेट नापेंगे इस तरीके से, 28 पेट आ रहा है, ठीक है। अगर किसी के हिप भारी हो तो इसका भी नाप लेना, क्योंकि किसी किसी के हिप ज़्यादा भारी होते हैं, तो कटिंग में जो थोड़ी परेशानी होती है, नुई काट दें तो इनके हिप फंस जाते हैं, तो इसलिए हिप का भी नाप ले लेगा इस तरीके से, क्योंकि हमारे जो सेट के जो राउंड आएगा वो इस जगह ही आएगा। तो इसका हिप है जी, यानी कि यहाँ से नापेंगे, हिप तो देखो यहाँ होते हैं, पर हमें यहाँ से लेना है, क्योंकि सेट का जो हिसाब किताब आ ना गोलाई का यहीं आता है, तो ये 32 आ रहे हैं, तो इसकी भी चौथाई करके कटिंग करनी है, ठीक है। और तीसरे का जो नाप लेना है, उसकी हड्डी चेक कर लेनी इस तरीके से, और इंची टेप रखना है इस तरीके से, और यहाँ देखना, यानी कि नाप ऐसे लेना है तीसरे का, ना तो लटकनी चाहिए, ना ज़्यादा ऊंचे होने चाहिए। अगर जो ऊंचे होगी तो ऐसे लगेगा किसी और की मांग के पहनना, नीचे होगी तो ऐसे लगेगा किसी ने ऐसे मार रखी कपड़े की, ठीक है ना। तो लंबाई देंगे, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 17.5 तीरा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से ही बाजू का नाप लेना इस तरीके से, यहाँ लेंगे बाजू का नाप, कोई यहाँ लेता है पर हम यहाँ लेंगे, क्योंकि हम ठीक है 21.5 लंबाई आ रही है इसकी बाजू की। ध्यान से देखो, जहाँ से तुमने तीरा नापा है उसके हिसाब से यहाँ पर 21.5 लंबाई होगी बाजू की, ठीक है। और कॉलर का जो नाप लेंगे इस तरीके से लेंगे, 2 उंगली अंदर रख के 14.5 कॉलर आ रहा। अब रही ये जो डाउन है ना, ये कैसे नापते हैं, इंच टेप को इस तरीके से लेंगे, इंच टेप ऐसा पकड़ लिया भाई, अरे इस तरीके से रखा, ठीक। अब जैसे ही बंदा खड़ा है, सीधा खड़ा हो भाई, देखो भाई ना तो इंची टेप नहीं होना चाहिए, ना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इशार रखना। अब देखो इसका जो मुड्ढे डाउन होंगे कितने मांग रहा है, जैसे कि 30 पे है तो 31 पे 1 इंच हो गया, 32 पे 2 हो गया, यानी कि 2 इंच मांग रहा पूरा। ये रहा जहाँ मेरी उंगली आ रही है, कन की उंगली देख रहे हो, यहाँ इसके बिल्कुल ले भी लियो, ठीक है। बहुत से का अब 9-18 इंची टेप बिल्कुल इशार रखना, जहाँ इसकी गर्दन है, ये देखो तुम्हारा 31-32 2 इंच जाएंगे जी इसके। बहुत से का 3 इंची भी जावा है, बहुत से का 1.5 इंची भी जावा है, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना। ये सबसे बढ़िया नुकता है शोल्डर डाउन करने का, और इसे जो है नाप जब ले हो तो इसे लिख लियो कि भाई इसके 2 इंची
मुड्डे डाउन होने हैं, ठीक है। ये तो हो गया सेट का। अब लेंगे पैंट का नाप। पैंट का नाप नाप देखना तुम्हें बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि जो आसन का मसला जो है यहाँ से ही पैंट का मसला बिगड़ रहा। तो सबसे पहले लंबाई नापेंगे इस तरीके से। अगर कोई बेल्ट वेल्ट बांध रखी हो जिसने तो उतरवा दो, पर्स भी निकलवा दो, ठीक है। लंबाई जहाँ बांधता हो बंदे पहले उससे पूछ लो कि भाई बांधेगा, कोई यहाँ बांधता है, कोई यहाँ बांधता है, कोई यहाँ बांधता है, ठीक है ना। अब जैसे कि ये लमड़ा यहाँ बांध रखी है इस पैंट, इस लमड़े ने, तो यहाँ से नाप लेंगे। इंच टेप इस तरीके से रखेंगे और ये गट्टों पे कह रहा है तो यहाँ होगी इसकी 33, ठीक है। अब एक बात ध्यान और रखनी है, कस्टमर होता है बेचारा बिल्कुल सीधा आदमी, उसे नहीं पता होता, कहता कुछ और है, फिर बाद में करता कुछ और है। अब जैसे कि वो कह रहा है मुझे तो यहाँ चाहिए टकनों पे, तो ध्यान रखियो आधा इंची अपनी तरफ से बढ़ा दे करो, क्योंकि उसे पता नहीं है कि भाई बनने के बाद वो कहाँ जाएगी, जब तो कह रहा मुझे यहाँ चाहिए, ध्यान समझना मेरी बात को, इसलिए आधा इंची अपने दिमाग से कर दे करो। और कमर का जो नाप लेंगे इस तरीके से लेंगे जहाँ वो बंदा पैंट बांधता हो, अगर यहाँ बांध रहा तो यहाँ से लेंगे, नीचे बांध रहा तो अभी वो यहाँ बांध रहा है तो हम यहाँ से नाप लेंगे इसका। दो उंगली अंदर रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे पैंट पहनने की इसके ऊपर से नाप लो, ज़रूरी ना कि भाई तुम पैंट को नीचे करवाओगे जब नापोगे, इसके ऊपर से नाप लो, इससे पता चल जाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, यानी कि 30.5 कमर है इसकी। अगर चलो इसे नीचे कर देंगे थोड़ी सी, ठीक है, अगर बिना पैंट के भी नापोगे जब भी, इसकी कितनी बैठेगी ये 30.5 कमर आ रही है, ठीक है। ध्यान रखना नाप में, तुम्हें ध्यान रखना आलकस नहीं करना बिल्कुल भी, बस एक इंच टेप नू डाला, एक उधर डाला, चल भी हो गया नाप। नाप लेना बिल्कुल तसल्ली से, पैंट को नीचे करवा दो उस तरीके से नाप लो, ठीक है। अब भाई अपनी पैंट सेट कर ले, अब नापना हिप, पैर मिलवा देने हैं दोनों, और हिप जो नापेंगे हम इस तरीके से नापेंगे यहाँ पे। इंच टेप देख लो तुम्हारा इंच टेप पड़ा कहाँ, बिल्कुल बीच में आना चाहिए सेंटर में यार इसकी, 34.5 हिप, ठीक है। इस तरीके से हिप नापनी है, ये ना कि भी इतनी ढीली रखो, कटिंग का मसला ख़राब हो जाएगा अगर, क्योंकि लूजिंग जो देंगे कटिंग में देंगे जितनी हमें देनी होगी, तो इसलिए हिप बिल्कुल फिक्स नापो इस तरीके से 34.5। अब थाई का जो मसला है, थाई का जो नाप लेंगे हम, अब बिल्कुल इंच टेप इस तरीके से घुसाएंगे अंदर, ठीक है, और इस तरीके से फिटिंग रखेंगे बिल्कुल। अब इसकी 20 फिटिंग आ रही है। अब कस्टमर से पूछेंगे भाई मीडियम चाहिए या लूज चाहिए या फिटिंग में चाहिए, अगर जो मीडियम मांग रहा तो इसकी रखेंगे हम 1.5 इंची, 20 था तो 21.5 होगी, फिटिंग मांग रहा तो 1 इंची रखेंगे, अगर जो लूज मांग रहा तो 2 इंची रखेंगे, ठीक है ना। अगर कोई बेचारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वे तो तुम्हें पता प्लेटों की पैंट वगैरह उनकी में तो हिप का जहाँ से ले रखा उसमें 4 इंची की वो तो कटिंग भी हो जाती है, मसला है फिटिंग वालों का, बस फिटिंग पर ध्यान रखना है। जैसे इस तरीके से नाप के अगर कोई फिटिंग मांग रहा हो तो 1 इंची दो, मीडियम मांग रहा तो 1.5 इंची दो, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिए। और घुटने का जो नाप लेंगे, घुटने का भी ऐसे लेंगे, दो उंगली अंदर रख के फिटिंग रखेंगे, 14.5 इंची लूजिंग कर देंगे तो ये हो गया। बहुत से 1 इंची की भी रख दे यार, घुटना थोड़ा सा लूज ही होना चाहिए क्योंकि उठने बैठने फिर पिंडली फंस जाए तुम्हारे पीछे से, ठीक है ना। वो तो जब तुम कटिंग करोगे ना घुटना अपना आप ही निकाल लिया कटिंग में, कितना घुटना आएगा इसका। और मोहरी जो नापेगी, मोहरी पहले इसकी नाप लो पैंट की जितनी वो पहनना हो, इसकी है 11.5। तो भाई यू तो जीन्स है स्टेज में है, अगर इसका वैसा कपड़ा वो बिना स्टेज का तो पहले इसकी एडी नाप लो कि कितनी मोहरी चढ़ सके इसके। अब ये आ रही है जी इसकी 12.5 है, तो 12.5 चढ़ जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी करवाएगा भाई? 12.5 कह रहा जी। और आसन का जो मसला है, अब जैसे इसने यहाँ पैंट बांध रखी तो हम यहाँ से नाप लेंगे इसका, ये बैठ रहा और यहाँ भी ले रहा आसन, यू जो सिलाई का जोड़ होता है यहाँ तक नपे गए, तो इसका आ रहा जी 8.5, ठीक है। अब बहुत सा पैंट बांधता है यहाँ पे तो यहाँ से लेते, अब इसने यहाँ से बांध रखी तो यहाँ से तो लेंगे। तो इसका जो मसला है सबसे मेन मसला है आसन का होता है, आसन जहाँ तुम्हारी पैंट यानी कि तुम्हारे कस्टमर ने जहाँ बांध रखी हो वहाँ से नाप लिया करो, और जो तुम्हें पूरा ही आसन नाप बना तो इस तरीके से इंच टेप घुसाओ, यहाँ पकड़ लिया तुमने पीछे और ऐसे देख लो करो, इसका जो आ रहा है ये 22.5 आ रहा, ठीक है जी। तो आसन का जो मसला है ना, जहाँ कस्टमर पैंट बांध रहा हो वहाँ से ही नापना है, ये ना कि भाई अपनी मर्जी से हिप की चौथाई बैठ रही वहाँ कर रहे वहाँ, तो इसलिए ध्यान दिया करो जहाँ कस्टमर पैंट बांध रहा है वहाँ से नाप लिया करो, ठीक है ना। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है कर देना सब्सक्राइब। तो गाइस मिलते हैं अगली